आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री करेंगी 98 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण। दरअसल बेसिक स्कूल मैदान पर आयोजित होगा कार्यक्रम। 120 हितग्राहियों को 13 लाख का सामग्री वितरण किया जाएगा। कई मंत्री विधायक सहित हजारों लोग सभा में मौजूद रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ दिलीप साहू हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दिलीप, जैसा कि कार्यक्रम में कई सारे विधायक, हजारों लोग मौजूद हैं, कार्यक्रम कितना भव्य है और कौन कौन इसमें मौजूद है, क्या खास है कार्यक्रम में? तो भूपेश बघेल आज भूमि पूजन करेंगे। दरअसल 98 करोड़ के विकास कार्यों का ये भूमि पूजन होने वाला है। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के साथ साथ मंत्री, विधायक और तमाम कार्यकर्ता और आम जन भी इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कार्यक्रम को भव्य रूप दिया गया है। स्टॉल्स हैं, एग्जीबिशन हैं। तो मुख्यमंत्री 98 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण आज करेंगे। बेसिक स्कूल मैदान में आयोजित होगा कार्यक्रम, जो चल ही रहा है। 120 हितग्राहियों को 13 लाख का सामग्री वितरण किया जा रहा है। कई मंत्री, विधायक सहित हजारों लोग सभा में मौजूद हैं। और जल्द ही, जैसा कि हमने आपको बताया कि मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे, तो जल्द ही मुख्यमंत्री का संबोधन भी हम आपको सुनाएंगे जिस वक्त वो संबोधन देंगे। एक बार फिर से हमारे साथ स्वराज संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन इस वक्त कार्यक्रम में पहुंच गया है और मुख्यमंत्री क्योंकि आने वाले हैं, तो क्या वो भी पहुंच गए हैं? क्या अंतिम तैयारियां देखने को मिल रही हैं? जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? हेलो, दिलीप, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? दिलीप, आपका आवाज पहुंच रही है हमारी? प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी आज बेमेतरा आगमन में है। यह आगमन पूरा सुरक्षा व्यवस्था कर लिया गया है। जहां पर मैं आपको कैमरा मैन को दिखाना चाहता हूं कि यहां जनता की भीड़ आने शुरू हो गई है और कुछ कार्यक्रम भी, सांस्कृतिक कार्यक्रम चालू चल रहा है। दिलीप, आसपास लोग आपके मौजूद हैं, हम चाहेंगे कि आप उनसे भी बातचीत कर जाने कि कार्यक्रम में वो क्यों आए हैं और कितना लाभ आज उनको मिल सकता है, तमाम जानकारी लें। आज थोड़े थोड़े टाइम में 10 पहुंचने वाले हैं, उसे 98 करोड़ रुपए का भूमि पूजन लोकार्पण करेंगे और साथ ही साथ 120 लोगों को, हितग्राहियों को, कृषि विभाग और श्रम विभाग के कर्मचारियों ने उनको अनुदान देने की बात की है। लगता है संपर्क हमारा दिलीप से ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है। उनसे हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें एक बार फिर कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भूमि पूजन लोकार्पण करने के लिए पहुंचेंगे। और आपको बता दें 98 करोड़ के विकास कार्य हैं जी हाँ। और जाहिर तौर पर आम जन को इसका काफी इंतजार था, क्योंकि इन 98 करोड़ की लागत से जो निर्माण कार्य या विकास की बात या सौगात भूपेश बघेल देंगे, उसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। अगली खबर देखेंगे।